जय श्री राम मित्रों, मैं सीमा रोहिला, मेरे चैनल माँ की रसोई पर आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस उपलक्ष पर हम लेकर आए हैं आपके लिए तिरंगा बर्फी। तो देखते हैं किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। कोकोनट पाउडर, शुगर पाउडर, मिल्क पाउडर, कोकोनट ऑयल। यहाँ पर मैंने लिया है पतंजलि का कोकोनट वर्जन ऑयल। अब हम यहाँ पर सारा कोकोनट पाउडर एक बर्तन में निकाल लेंगे, मिल्क पाउडर भी, ये दोनों हमने समान मात्रा में लिए हैं। ये लिया है हमने शुगर पाउडर, ये भी ये हमने लिया है दोस्तों आधा बाउल है और ये छोटे वाला पूरा बाउल है। तो हम इस शुगर पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देंगे। सारी ही चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें बचा हुआ पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों हमने दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही, और अब हम इस दूध को भी अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए मिक्स कर लेंगे और एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। डो हमें एकदम अच्छा सा चाहिए, सख्त सा डो चाहिए, पतला डो नहीं चाहिए। इसीलिए दूध को हम बहुत ध्यान से डालेंगे कम कम मात्रा में और बढ़िया सा डो तैयार करेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बढ़िया सा डो बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आपको भी एक अच्छा सा डो बना लेना है, एकदम चिकना बना है। अब इस डो के मैं कर लूँगी दोस्तों तीन हिस्से। बराबर बराबर मात्रा में हम इसमें कट लगा लेंगे और एक बर्तन के आइडिया लेते हुए हम इसको रख लेंगे। तो ये देखिए आधा बाउल तैयार हो गया। अब ये दूसरा पोर्शन दूसरे बाउल में करके रख लेते हैं। ये भी देखिए बराबर मात्रा में है दोनों। अब ये तीसरा वाला पोर्शन, इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर, ये फूड कलर है दोस्तों, बहुत थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। कलर को हम अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा करते हुए अच्छा सा एक ग्रीन कलर तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है और जैसा कलर चाहिए उतना ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। यानी कि दो पिंच मैंने कलर यूज़ किया और एक बढ़िया सा डो तैयार हो गया। अब हम दूसरा कलर केसरी कलर तैयार कर लेंगे। ये मैंने लिक्विड कलर लिया है और अब यहाँ पर हम इसे केसरी कलर का बना लेंगे। ये फूड कलर है, इसे खाने में कोई नुकसान नहीं होता, तो आप इसे डाल सकते हैं बिना किसी हिचक के। अब यहाँ पर हम सरफेस पे लगा लेंगे कोकोनट ऑयल और इसको अच्छे तरीके से चिकना कर लेंगे। जब हम इसके ऊपर लोई रख के बेलेंगे दोस्तों तो वो चिपकेंगी नहीं, बढ़िया से उतर जाएंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन कलर ले रहे हैं और लोई को भी हाथों पर तेल लगाते हुए अच्छा सा चिकना कर लेंगे। और बढ़िया से चिकना होने के बाद में राउंड शेप हो गई है इसकी एकदम बढ़िया। अब हम इसे बेल लेंगे। अब यहाँ पे हम बेलन पे भी ऑयल लगा लेते हैं तो बेलने में आसानी होगी। आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर, फॉइल पेपर या फिर किसी भी पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं आप, और उसको ऑयल लगा के अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए और लोई को बेल लीजिए अपनी पसंद के अनुसार। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फॉइल पेपर और इस पर भी मैं लगा रही हूँ तेल। यहाँ पर कोकोनट ऑयल लगाने के बाद में अब मैं ये वाइट वाला पोर्शन इसका बेल के अच्छे से तैयार कर लूँगी। आप इसकी शेप अपने पसंद अनुसार जो है कर सकते हैं, शेप की कोई ऐसी बात नहीं है कि कैसा प्रॉपर शेप देना है हमें। इसी तरीके से एक और पेपर पे, फॉइल पेपर पे मैं ऑयल लगा के इसे बना लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोकोनट की चीज़ बन रही है इसीलिए मैं इसमें कोकोनट का ही यूज़ कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हमने बेल के तैयार कर लिया। अब ग्रीन पे मैं वाइट वाले को पेस्ट कर रही हूँ। तिरंगे का रंग इसी तरीके से होता है तो हम इसी तरीके से वन बाय वन लेयर तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे इसके ऊपर ताकि जब हम बर्फ़ी बनाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के तैयार हो जाएं। अब हम इसके ऊपर केसरी कलर जो हमने बना के रखा है लोई को उसको हम डाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से हम उतार लेंगे इसको। ये देखिए बढ़िया से उतर के तैयार हो गई और तीनों ही लेयर एकदम बढ़िया से सेट हो गई। अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब ये एक घंटे के बाद में सेट हो गई और बढ़िया से आ गई है तैयार होके। अब हम एक ग्लास की हेल्प से बर्फ़ी गोल शेप की निकाल लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल शेप दे रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पे ये बढ़िया सी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई, एकदम आकर्षक बर्फ़ी है। अब आप अपनी मनपसंद मेवा का इसमें यूज़ करते हुए इसे गार्निश कर लीजिए। तो लग रही है ना बढ़िया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, ये तिरंगा बर्फ़ी पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।